अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर। आज आपको बताऊंगा जो कि हमारे एलईडी और एलसीडी वगैरह का रिमोट काम करना छोड़ जाता है। ठीक है जी, अब हमारे पास ये एलईडी आई है, इसको पावर ऑन नहीं हो रहा। ठीक है जी, रिमोट की मदद से। ठीक है जी, रिमोट इसका ठीक है, आप देख सकते हैं रिमोट इसका ओके है और ये पावर इसकी नहीं काम कर रही। हम देखेंगे इसमें कौन सा फॉल्ट है या कौन सा नहीं है। ठीक है जी, अब मैं इस एलईडी को खोलूँगा, फिर उसके बाद बताऊँगा आपको कौन सा मसला है कौन सा नहीं। अब मैंने एलईडी को ओपन कर लिया है। ठीक है जी, अब मैंने चेक किया इसके जो कि ये पुर्जा एक्सटर्नल है जी। ठीक है जी, सेंसर यह ख़राब है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करूंगा। इसके यहाँ पर आईआर होता है, ये वह पिन आईआर, दूसरी ग्राउंड और तीसरी 5 वोल्ट होते हैं। ठीक है जी, जो कि इसका आईआर है और ग्राउंड पर हम प्राड रखेंगे तो रिमोट चेक कर सकते हैं जो कि हमारा सेंसर है वो ठीक है या नहीं ठीक है। जिस वक्त हम पराड के दोनों पॉइंट यहाँ लगाते हैं, एक ग्राउंड पर और दूसरा आईआर पर, फिर उसको हम जो कि रिमोट है उसका बटन, कोई भी रिमोट का बटन दबाएंगे तो वो वोल्टेज अप डाउन करें तो जो कि हमारा एक्सटर्नल है वो ठीक है, अप डाउन ना करें तो वो हमारा एक्सटर्नल ये वाला ख़राब होता है। ठीक है जी, अब मैं इसको चेंज करूँगा जो कि हमारा पावर का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। ठीक है जी, अब मैंने न्यू सेंसर लगा दिया है। ठीक है जी, ये वाला मैंने चेंज किया। ठीक है जी, अब मैं रिमोट से पावर का बटन दबाता हूँ। ठीक है जी, हमारी एलईडी जो कुछ सेंसर है वो ओके हो चुका है, हमारी एलईडी ओके हो चुकी है। ठीक है जी, ऑन है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। और इसकी रेंज भी काफ़ी है।